हेलो फ्रेंड, मेरी माय यूट्यूब फैमिली, देखिए मैं ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ। पूरी फुल कटिंग दिखाऊंगी इसमें पूरी फुल कटिंग दिखाऊंगी। देखिए मैंने अस्तर को फोल्ड कर लिया है। ब्लाउज की लंबाई है मतलब 14 इंच तैयार है और चेस्ट इनका 42 है, तो 42 का मैं जो है चौथाई हिस्सा 4 मतलब 8 इंच बढ़ाकर 42 में 8 इंच बढ़ाऊंगी तो 50 हो जाएगा। तो 50 का आधा 25 और 25 का आधा 12.5। मैंने जो है चौथाई हिस्सा भाग फोल्ड कर लिया है तो 12.5 पर फोल्ड कर लिया है अस्तर को। और उसके बाद जो है 14 इंच इसकी लंबाई है ब्लाउज की, तो मैं 15 इंच का निशान लगाई हूँ। और गले की गहराई जो है ये 11 इंच है, तो 11 इंच का निशान लगाई हूँ मैं। मतलब 10.5 तैयार है, 11 आधा इंच में बढ़ाकर निकालती हूँ। तो इस तरह से देखिए, और तीरा 5.5 है और ये जो कंधा है आर्म होल की गहराई इसको हम 6 इंच रखे हैं। इस तरह से देख लीजिए। अब पीछे वाला जो बैक साइड मैंने काट लिया है और 4 इंच की दूरी पर पीछे प्लेट का निशान लगा लिया है और उसी निशान पर पीछे दूसरे साइड भी कर लेंगे। अब देखिए पीछे वाला पल्ला जो है आगे में रख कर आधा इंच आगे बढ़ाकर, आधा इंच हुक हाई की जो पट्टी होती है उसको आधा इंच छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है आप आगे वाले पल्ले में निशान लगाइए। तो आगे के गले की गहराई है 6 इंच, तो 6 इंच का मैंने निशान लगा लिया है, आधा इंच गोलाई दे दिया है और 6 इंच का आर्म होल निकाल लिया है और 1.5 इंच की गोलाई इसमें भी मैंने दिया है। पीछे वाले में 2 इंच की गोलाई और आगे वाले में 1.5 इंच की गोलाई दिया है। उसके बाद देखिए बेल्ट का निशान, ये जो आगे मैंने लगाया था ये 13 इंच पर था, बीच में 14 है, आगे साइड 1 इंच ऊपर की तरफ झुका हो जाता है। और उसके बाद ब्लाउज की लंबाई उसमें जो है 14 तैयार है, तो 4 इंच पीछे से 4 इंच आगे ज़्यादा रहेगा, बेल्टदार ब्लाउज है तो आगे मैंने 18 लिया है। पीछे वाले में 3 इंच मतलब 1 इंच बढ़ाया है और आगे वाले में 4 इंच बढ़ाया है। इस तरह से आप आर्म होल और ये सब निकाल लीजिए कटिंग करके। उसके बाद जो है बेल्ट भी निकाल लीजिए। नीचे जो पट्टी बची हुई है इसको हुक हाई की पट्टी बना लेंगे हम, और बेल्ट जो 1 इंच हम काट के निकाल दिए हैं, जब ये प्लेट बनाएंगे तो एडजस्ट हो जाएगा इसमें। और इस तरह से देखिए आर्म होल की भी कटिंग हम निकाल दे रहे हैं। उसके बाद आप डॉट्स लगाना बताएंगे आपको, ये देख लीजिए। अब हम ब्लाउज में डॉट्स लगाने जा रहे हैं, 4 डॉट्स जो लगते हैं। तो इस तरह से 4 इंच की दूरी पर देखिए, 4 इंच की दूरी पर आप एक टिक मार लीजिए, उसके बाद 2.5 इंच इसको ऊपर की तरफ, उसके बाद 1.5 इंच की दूरी पर हमको चारों निशान लगाने हैं। 1.5 इंच की दूरी पर चारों निशान, दो दो भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है। तो इस तरह से कटिंग कर लीजिए कैंची की नुक के सहायता से, दूसरी तरफ भी आप निशान लगा सकते हैं इस तरह। अब इसमें आस्तीन की कटिंग निकालनी है, तो आस्तीन अस्तर कम पड़ता है तो हम आस्तीन इनकी 4.5 इंच तैयार है, तो 5.5 इंच में निकालूंगी। 4 भाग में फोल्ड कर ली हूँ, तो कम कपड़ा तो कम पड़ेगा ही। और नीचे साइड ऊपर जो है 5.5 मैंने किया है, नीचे जो है 3.5 किया है। अब अभी थोड़ा सा और जो बढ़ाकर काटेंगे तो ये जाके जो है ऊपर से 3 इंच नीचे के साइड कम हो जाएगा। ऊपर 5.5 है तो नीचे हो जाएगा 2.5।